आपके घर में भी अगर बच्चा है तो हमेशा डर लगता है कि बच्चे को बच्चा गिर ना जाए, बच्चा चोटिल ना हो जाए, बच्चे को कहीं पर लग जाए, गिर जाए, पड़ जाए, तो क्या दवाई हम रखेंगे, इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं। तो आइए ऐसा ही दो मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे आज, जिसको आप घर में रख सकते हैं ताकि आपके बच्चे को अगर किसी भी तरह से चोट लग जाए तो आप वो तुरंत दे सकते हैं। लेकिन देने से पहले मैं फिर से बताऊंगा कि एक डॉक्टर का सलाह ज़रूर ले लीजिए, उससे आपका बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर उस दवाई का नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला जो दवाई है ये शायद आपके घर में अगर बच्चा है तो आप शायद जानते ही है और घर में रखते भी है, ये है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना एक बहुत अच्छा दवाई है चोट लगने का। तो बच्चा जब भी गिर जाए, पड़ जाए, आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर लग गया है, कहाँ पर लगा है, कहाँ पर चोट आया है, वो रोने लगता है, तो आप उसको पहले ही आर्निका दे सकते हैं ताकि जहाँ पर भी लगा हो वो ठीक हो जाए धीरे धीरे। आप उसके बाद किसी डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं ताकि उसको दिखा के आपको पता चल जाए कि कहाँ पर उसको चोट लगा है। लेकिन पहले आप आर्निका दे सकते हैं, घर में रख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे हो भी रहते हैं, जब चलने लगता है बच्चा तो बार बार गिरता है और कहीं ना कहीं मुंह पे सर पे लगता रहता है, और तब आपको आर्निका बहुत मदद देगा। तो इसके बाद जो हम दवाई के बारे में बात करेंगे वो है कैलेंडुला। तो कैलेंडुला एक ऐसा दवाई है जो बहुत ही काम में आता है जब आपके बच्चे को कहीं पर कट जाए या फिर थोड़ा सा खून निकलने लगता है, कहीं पर मतलब क्रैच आ जाए, तो ये इसमें कैलेंडुला बहुत काम आता है। आप उसको 30 पोटेशियम में खा भी सकते हैं या फिर जहाँ पर कट गया है वहाँ पर आप मदर टिंचर लगा भी सकते हैं, और इससे आपका जो घाव है, छोटा छोटा घाव बच्चे का होता है गिर जाने से, पड़ जाने से, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके बारे में भी हम बात बताएंगे कि ये एक डॉक्टर के पास जाके दिखाइए, अगर आपका चोट गहरा हुआ तो उसका अलग सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन पहले दफा में आप कैलेंडुला यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे भी बच्चे के ऊपर, चोट के ऊपर और सारा मेडिसिन हम बताएंगे, और उसको देखने के लिए जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। और बच्चे के ऊपर हमारा तो पूरा सीरीज हो रहा है, वो देखने के लिए भी हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ज़रूर नज़र रखना, और वहाँ पर आगे भी जो वीडियो आएगा वो ऐड करते जाएंगे। अगर आपके घर में भी बच्चा है तो ज़रूर ज़रूर ये वीडियोज़ देखना, उससे आपको बहुत बहुत मदद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके कमेंट करना और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ भी जिन लोगों के पास भी घर में बच्चे हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय होम्योपैथी, नमस्ते।